अब वो मैं उतर के नीचे नहीं आ पा रही ऐसे ऐसे करके लाइक YouTube के लिए ना मैं चैनल यस मॉर्निंग गाइस ये हैं मेरी के सबके मनाजर और तुम लोग देख सकते हो कि रश कितनी ज्यादा है हेलो गाइस किस गाड़ी में थे आप आई यूज्ड टू बी अ व्लॉगर बट आई क्विटेड बट आई वाज नॉट गुड एट इट लाइक करें शेयर करें कमेंट करें हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं बताती चलूँ मेरा नाम है माहम जावेद और मुझे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल ब्लॉगर के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा मैं अपनी फैमिली और एरिया की भी पहली ब्लॉगर हूँ तो आज का ब्लॉग है जी बेसिकली हम सब जब नए लोगों के साथ घूमने गए तो हमें कैसा लगा तो सुबह सवेरे मैं इंस्टीट्यूट पहुँच गई थी और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है ये और हम सुबह मेकअप वगैरह करते हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी एंड डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्योंकि मेहनत होती है अच्छा लगता है वेल हेलो गाइस ओ मेरी व्लॉग स्टार्ट करते ही मेरी एने के पीछे गिर गई हैं लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग जा रहे हैं बेसिकली डोंगा गली में और ये जो जगह है बेसिकली प्रोविंस स्कूल है हम हमारी ट्रेनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो अभी टीचर बनेंगे हम ऑब्वियसली प्रेशर वगैरह पड़ेगा तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम जा रहे हैं डोंगा गली तो अभी सब यहाँ पर स्नैक्स का अरेंजमेंट है हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी स्नैक्स उठा सकते हैं एंड सर पार्टिसिपेंट्स दीज आर द बसेस और मेरी बस नंबर 3 है एंड चलते हैं बस की तरफ सामान है हमने अभी बस की सीट सारी खा ली है सो ये सुपर क्रिस्प हम खा रहे हैं और सुबह 8:35 का टाइम है और मैं घर से निकली थी तकरीबन 6 बजे 6 से 8 का सफ़र मैं तय कर आ गई हूँ यहाँ पर और धूप अच्छी है मौसम भी ठीक है कल रात को बारिश हुई थी और लेट्स सी कि वहाँ कितनी देर में हम पहुँचे बाय द वे दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ट्रैवल टुवर्ड्स डोंगा गली वैसे मैं मेरी ये नथिया गली गली यहाँ पर बेसिकली जाती रहती हूँ जाके देखते हैं खामोश में साथ नहीं नायला ऐसे कर दूँ अच्छा नायला स्टोरी सुना रही हैं आपको नींद आ रही है ओके आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही सो गई थी अच्छा कैसा लग रहा है आपको मरी का मौसम वगैरह किसके बगैर मरी का मौसम बहुत ठंड लग रही है एंड पे आप बताना चाहेंगी आप किस यूनिवर्सिटी से ओके गाइस आपने अब उनका नाम वगैरह नहीं बताएंगे नाम बताने तो आप बता सकती हैं अच्छा गाइस देखो आप लोग कह रहे होंगे कि मैं क्यों इतना लेट इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ तो हम उलट चल रहे हैं ये अहमद है और पीछे इस वक्त हम नेटवर्किंग कर रहे हैं सारे गाइस ये मावा हैं और मावा आप क्या कहना चाहेंगे अपना कैसा रहा आपका ये कितने दिनों बाद या सालों बाद लाइक यू हैव इट्स माय फर्स्ट टाइम ओह इट्स हर फर्स्ट टाइम टू ऑब्जर्व दीज माउंटेन्स और ये डोंगा गली में है ना या एंड यू लुकिंग प्रीटी इन दिस लाइक थैंक यू दैट इट वाज अच्छा ये ना बच्चा मेरे पास आया ये लेने देने आई मीन सो आई वाज लाइक नो आई एम ऑलरेडी अ क्वीन आई डोंट नीड अ क्राउन यू आर लुकिंग प्रीटी आपका कैसा एक्सपीरियंस है वंडरफुल पहले तो बड़े दुखी दुखी आ रहे थे हम लेकिन फिर कुछ अच्छे गाने हमने अपने किया गाड़ी में मजा आया या वी एंजॉयड या हमारी गाड़ी में कुछ वाइब नहीं थी यार नहीं हमने बड़ा एंजॉय किया हमने हर तरह का एंजॉय किया मतलब वाइब वाले गाने भी सुने हैं हमने पार्टी सॉन्ग भी किए हैं हमने डांस वांस भी किया है जैमिंग की आप भी गाड़ी में सवार भी थी ना आई डोंट इनको नहीं पता फेरिश हां आत्मा किधर है आत्मा कौन
ओके अब हम लोग उतर रहे हैं एंड हाइक की तरफ जा रहे हैं। गाइस मौसम की बात करें तो नहीं नहीं थैंक यू नहीं 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 थैंक यू। अच्छा यार ये यहाँ पर लोकल शॉप्स हैं और हम वॉक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके गाइस ये जया है और जया अपने बारे में क्या बताना चाहोगे? मेरा ताल्लुक मियां वैली से है और लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत काफ़ी लोग माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और माहम इज सच अ लवली लेडी माशाल्लाह शी इज डूइंग रियली ग्रेट वर्क ग्रेट थिंग्स कंटेंट बहुत अच्छा एंगेजिंग होता है। वेल जस्ट सी कीप सपोर्टिंग एंड कीप शोइंग लव। अच्छा मरी का कैसा है, आप कितने अरसे बाद आ रहे हैं? मरी का ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी जो है ना इनकी उनके दिल से तंग है अभी बिकॉज ऑल ऑफ अस आर सर्विस नहीं है रेस्ट रूम्स ठीक है स्पेशली द फीमेल्स तो उस हवाले से बाकी अल्लाह ताला ने इनको इतनी कुदरती वसाइल से ब्लेस किया बट अगर इनको खुला दिल भी दे। आपने एक और चीज नोट की कि यहां पर काफी लाइक रश मच गई है एंड लाइक देयर इज नो प्लेस टू वॉक ऑन दिस रोड। बिल्कुल ऐसे ही है ऑब्वियसली आपने देखा जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं तो यहां पर जो है ना फैसिलिटीज का भी उस हवाले से मसला है। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स से जब हमने बात की तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि मतलब वो जो बात करते थे बात उसके बरक्स होती थी ऐसा नहीं है बट द थिंग इज कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है ना वो पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए फैसिलिटीज होना चाहिए। तो आज हम आपके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो आप कैमरा भी लाए हुए हैं और वी होप कि आप हम सब की क्लिक करेंगे। थैंक यू। इस शॉप में आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें हैं लाइक ये स्टूडेंट्स को बेसिकली 700 में एक अम्ब्रेला भी हमारी फेलो ने ली है और चलिए ये देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये बैग्स हैं इनके पास छोटे छोटे झुमके। मौसम अच्छा है मेरा थोड़ा सा पकौड़े लेने का दिल कर रहा था सो लेट्स ट्राई। ओके हेलो उनैसा आप ले। थैंक यू मामा थैंक यू ये है अयूबिया नेशनल पार्क और अभी पीछे सब फेलोज़ को लंच बॉक्सेस मिले हैं खाना मिला है और पीछे अब हम जाएंगे ट्रैकिंग करने। बेसिकली ये एक तरह से वॉक ही है और मौसम ठीक है और मुझे अच्छा लग रहा है नए नए लोगों से वहाँ पर मिल के जस्ट वेटिंग के अभी क्या सीन होने वाला है। द मैमल्स ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क जंगली हयात का तहफ्फुज़ ये टैक्स बंदा ले रहा है सबसे ₹10-10 गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहें। गाइस ऊंचाई देखो तुम लोग और बहुत सन्नाटा है मेरे तो कान बंद हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर एको नहीं हो रही एको आवाज नहीं हो रही देखो होती है तो बिल्कुल एकदम से ठंड होती है और अचानक अगर ज़रा सी धूप में निकले ना और फिर ये आप लोगों को हाँ थोड़ा सा स्किन बर्निंग की सेंसेशन आती है आपको। ये क्या क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता? क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है और यहाँ का वेदर पैटर्न में भी ऐसा है। अहमद खुदकुशी नहीं करो नीचे उतरो अहमद तुम्हारा कोच कॉल है अहमद कोच कॉल है ब्राउनी पॉइंट्स शेयर दिल ओके ये शेयर दिल बदल आ गए एंड बहुत अच्छा मौसम हो गया है और अभी हमें कोचेस कह रहे हैं कि आप लोग वापस जाएं क्योंकि नीचे चाय पानी का सिस्टम मतलब इंतज़ाम किया गया है और बड़ा मज़ा आया था एज आ लाइक फेलो न्यू लोगों के साथ इंट्रैक्शन हुई है। मेरे ख्याल से ऐसे ट्रिप्स होने चाहिए। अच्छा गाइस तो अभी हम इस वक्त इधर आ चुके हैं दिस इज़ द सेंट्रल स्पॉट ना हम ऊपर वाले रहे ना हम नीचे वाले रहे ऊपर गए वहाँ से कोचेस नीचे भेज दिया यहाँ से गए वहाँ से नीचे भेज दिया। तो अब ये है कि व्यू देखो यहाँ पर दरख्त कितने बड़े बड़े हैं और बिल्कुल जुरैसिक पार्क वाली वाइब आ रही है और अभी हमने एको भी किया तो हम आगे चलते हैं वापसी की तरफ और इधर इस समय पीछे कुछ बंदर हैं तो इसका ये सीन आना। अभी हम इस रास्ते में आए हैं तो यहाँ फिर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज ऑफ रेस्टरूम। कहीं कहीं पर पानी खत्म है कहीं कहीं पर वॉशरूम्स नहीं है। मैं अभी इतने दूर चल कर ये पीछे वाले होस्टल में आई हूँ आई मीन होटल में आई हूँ टू फाइंड वॉशरूम
लोग ओवरऑल ठीक है, इट फील्स सेफ हियर, बट इट्स लाइक कुछ आपको इस तरह डिफरेंस नहीं लगेगा क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। पीछे दो दो प्यारी प्यारी लड़कियाँ जा रही हैं, उनको छोड़े हम नहीं लाते ब्लॉग में क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न हैं। सी द एक्शंस ऑफ दिस टू यंग लेडीज इनसे यार, वैसे देखो चढ़ाई ऐसे है बिल्कुल। तो अभी ये पकोड़े और चाय है, ये है मुश्कपुरी होटल। ये नासिर है, और नासिर ये क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, रेस्ट कर रहे हैं आप, बेसिकली लेग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एंजॉय सबको। बिगड़ चुके हैं, इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि हम किस टाइम वापस आए हैं। ओके हाँ ठीक है, आई एम स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ एंड सॉरी फॉर द क्वालिटी ऑफ व्लॉग गाइस। अभी बस हमारा पहला एक्सपीरियंस था एक नए लोगों के साथ व्लॉग बनाने में, और ये नायाब है। नायाब कैसा लगा आपको? वेरी टाइट। सो वी आर एंडिंग द व्लॉग, बाकी आप इंस्टाग्राम पे डिटेल्स देख सकते हैं।